अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 58, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है नुमान हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कनाडा का ट्रक लाइसेंस यूएसए में चेंज हो जाता है कि नहीं? देखें, कनाडा का 13 ममालिक के साथ गाड़ी का लाइसेंस का एक्सचेंज एग्रीमेंट है, लेकिन ट्रक के लाइसेंस का फिर भी एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं। इसी तरह जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनमें जब आप ट्रक का लाइसेंस एक्सचेंज करवाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। हाँ, गाड़ी का लाइसेंस इज समथिंग एल्स, लेकिन ट्रक का लाइसेंस बड़ी चीज है, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, सेफ्टी ज्यादा इन्वॉल्व है। इसका कुछ ना कुछ आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये लोग जो यूएसए में रहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अहमद फैमिली का क्वेश्चन है। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहता हूं फॉर 15 डेज टूर एट नियाग्रा फॉल्स। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, स्टेटमेंट 9000 कैनेडियन डॉलर्स है, बट पासपोर्ट फ्रेश है। प्लीज गाइड मी दैट चांसेस हैं फ्रेश पासपोर्ट पर। पहली बात, नियाग्रा फॉल्स पे 15 दिन का प्लान नहीं होता। आप 2-3 दिन का ट्रैवल प्लान दें नियाग्रा फॉल्स का, क्योंकि नियाग्रा फॉल्स और उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आप कवर कर लेते हैं। दूसरी बात, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, पहली दफा आप किसी मुल्क में ट्रैवल करना चाह रहे हैं और वो भी कनाडा जैसे मुल्क में, तो आपको जो ट्रैवल प्लान है वो कम रखना चाहिए। 7-8 दिन का ट्रैवल प्लान रखें। वैसे भी आपके अकाउंट में 9000 कैनेडियन डॉलर्स हैं, इसके हिसाब से आपका प्लान 8-10 दिन ये काफी है। कैसर अब्बास का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई का वीजा अगस्त में आ गया था, जनवरी का ट्रैवल प्लान दिया था लेकिन ट्रैवल नहीं किया बिकॉज स्टडी चल रही है। अब जून जुलाई में सेमेस्टर ब्रेक पर प्रोग्राम है ट्रैवल का, क्या ट्रैवल प्लान नया देना पड़ेगा? जब आपका वीजा लग गया तो फिर ट्रैवल प्लान देने की जरूरत नहीं है। जब वो आपका भाई इधर लैंड करेगा एयरपोर्ट पे, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप पहले इस डेट को आना चाहते थे या इस डेट को आए, तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस वो आपने उनके सामने रखने हैं कि मैं पहले इसलिए नहीं था आया और आप इसलिए आया हूं, ठीक है? वो भी आपने तब बताना है अगर वो आपसे पूछे। अगर वो नहीं पूछ रहा तो फिर आप नॉर्मल ट्रैवल प्लान जो आपका है बताएं कि मैंने यहां पे जाना है, क्योंकि ये सवाल तो सबसे करेंगे कि आप इधर क्या लेने आए हैं, ठीक है? और अगर वो पूछते हैं तो फिर मैं दोबारा आपको बता दूं, आप बोलना नहीं, सिर्फ कुछ ना कुछ आपने दिखाना है, क्योंकि पेपर्स की ना ज्यादा अहमियत है। यूजर का क्वेश्चन है, सर कुवैत में बायोमेट्रिक करवा लूं या वीजा लग जाए तो क्या मेरी कंपनी को मैसेज जाएगा वीजा का या बायोमेट्रिक का? क्योंकि कंपनी नहीं जाने दे रही दूसरी कंपनी। कुवैत में और पाकिस्तान में कितना टाइम लग रहा है बायोमेट्रिक का सर, प्लीज? ओके, आप कुवैत में आप कह रहे हैं बायोमेट्रिक करवाने को, आप करवा सकते हैं, उसका कोई नहीं है। मेरे ख्याल से कोई मैसेज नहीं जाता, जो आपने ईमेल दिया होता है एप्लीकेशन के अंदर उसी ईमेल पे आपका जो वीजा अप्रूवल या वीजा रिजेक्शन की उसी के ऊपर मेल आती है, और बायोमेट्रिक्स की भी जो मेल आती है ना कि अब आप आके बायोमेट्रिक्स दे दें या आपको वो उसका ट्रैकिंग का बता रहे होते हैं कि ये इस यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है आपका बायोमेट्रिक्स, कोई भी अपडेट है तो वो जो VFS की ईमेल आती है ना, वो भी आपको जो आपने ईमेल दिया होता है उसको आती है, कंपनी को कोई ईमेल नहीं आती। अब टाइम कितना लग रहा है कुवैत से, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पाकिस्तान से ज्यादा टाइम लग रहा है, 15-20 दिन, महीना भी लग रहा है। सरफराज आलम का क्वेश्चन है, मैं डीजल मैकेनिक, 25,000 आवर हो गए हैं, क्या रेड सील से हम आ सकते हैं कनाडा? सैलरी 2020 है और ओवर टाइम करके 3500 आ जाता है, और रेड सील में कितना खर्चा लग जाएगा आने में? देखिए, अगर आपके घंटे पूरे हो गए हैं तो आप रेड सील के लिए अप्लाई करें। सैलरी आपकी ठीक है, 3500 तक अगर आपके आ रही है और सीधा वो अकाउंट में आ रही है, ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे अहम बात है, ये नहीं आपकी कैश में दे रहे हैं, अकाउंट में आ रही है और आपके पास इनफ बैलेंस है, तो फिर आप अप्लाई करें। अब खर्चा कितना,
खर्चा देखें जी, खर्चा आपका 185 कैनेडियन डॉलर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के हैं। बाकी ये जो रेड सील का इनविटेशन लेटर लेना है, ये हर प्रोविंस की डिफरेंट डिफरेंट फीस है। किसी की 150 है, किसी की 200 है, किसी की 250 है, ये 400 तक भी जाती है। तो ये आपका खर्चा है। खान लवर का क्वेश्चन है, सर सऊदीया से रेड सील की बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और सैलरी कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल टूरिस्ट वीजा जब आप सऊदी अरब से अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 22,000 सऊदी रियाल से ऊपर होनी चाहिए। पहले मैं 20,000 बताता था, मैं 22 इसलिए कहता हूं क्योंकि महंगाई हो गई है। और आपकी सैलरी 5,000 सऊदी रियाल से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जब आप रेड सील की बात करते हैं, उसकी बेस पे जब आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, तो फिर आप 22 की जगह 15,000-16,000 सऊदी रियाल कर लें, इतना आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से आपने फिर ट्रैवल प्लान भी करना। नॉर्मल टूरिस्ट वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल प्लान, जो ट्रैवल ड्यूरेशन होती है, 6 से 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन होती है, यानी कि 6 से ऊपर होते हैं दिन। लेकिन जब आप रेड सील की बारी आती है तो फिर आप, क्योंकि इधर एग्जाम देने आ रहे हैं, ज्यादा घूमने तो नहीं आ रहे, एक दिन का एग्जाम है, तो फिर आप ट्रैवल प्लान 4 से 5 दिन का दें, फिर ट्रैवल प्लान भी कम हो जाएगा आपका, और उधर से जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है वो भी आपका आपकी कम हो जाएगी। और रही बात सैलरी की, सैलरी नॉर्मल टूरिस्ट वीजा का 5,000 बोल रहा है, और इस पे अगर रेड सील पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से 3,000 सऊदी रियाल से ऊपर हो तो वीजा लग जाता है, क्योंकि उनको भी पता है जो रेड सील पे इधर आना चाह रहे हैं, मतलब एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, पाइप फिटर हैं, टाइल सेटर हैं, तो ये इस लेबर क्लास की सैलरी 3,000-3,500 इतनी ही होती है सऊदी अरब में, या इससे ज्यादा होगी। तो सैलरी भी कम है और बैंक स्टेटमेंट भी कम है इसमें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मजीद किसी के दिमाग और दिल में कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।